हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन में। तो मेरे स्कॉटलैंड वाले व्लॉग को आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, तो इस बार मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और व्लॉग। और इस बार मैंने व्लॉग बनाया है यूके के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन स्नोडोनिया के लिए। तो इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लंदन से स्नोडोनिया कैसे जा सकते हैं और वहाँ कौन कौन सी खूबसूरत जगह देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि स्नोडोनिया की ट्रिप में आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। और अगर आपको स्नोडोनिया में कुछ एडवेंचर्स भी करना है तो इस व्लॉग में मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स भी बताऊंगी। तो लंदन से हम स्नोडोनिया गए थे बाय रोड, जो कि 5 घंटों का सफ़र है। तो फ्रेंड्स के साथ ये हमारा ग्रुप ट्रिप था और ये हमारा 2 रात और 3 दिन का सफ़र था। तो जब आप लंदन से स्नोडोनिया के लिए जाएंगे तो बीच में एक शहर आएगा बर्मिंघम, और वहाँ का जो बालाजी टेंपल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि ये यहाँ का एक बहुत ही बड़ा हिंदू टेम्पल है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और टेंपल के बाहर यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ आपको इंडियन नाश्ता खाने के लिए आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपको आपके ट्रिप में ये टेंपल घूमना है तो आप इसके ओपनिंग टाइमिंग्स ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ दर्शन करने के लिए 1.5 से 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो यहाँ ये जो छोटे टेम्पल हैं ये ओपन होते हैं, पर जो मेन बालाजी का टेम्पल है ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ओपन होता है। तो टेंपल से निकलने के बाद 2 घंटा ड्राइविंग करके हम पहुंच गए हैं लंदन नो केबल कार के पास। तो आप अपने ट्रिप में ये जगह बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जगह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये जो केबल कार है ये ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट केबल कार रूट है। अगर आपको थोड़ी भूख लग गई है तो आपको यहाँ पर बर्गर, आइसक्रीम, कुछ ऐसे स्नैक्स खाने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। तो केबल कार के लिए लंबी लाइन लगी होती है, तो वहाँ आप थोड़ा जल्दी जाइएगा ताकि आपको ऊपर ज़्यादा समय मिल सके। तो वहाँ की टिकट की प्राइस कुछ इस तरीके से है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो टिकट है उसका ट्रांजैक्शन कैश में होता है, तो आप अपने साथ कैश रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम बैठ गए हैं केबल कार में और अब हमारा सफर चालू होता है। तो ये केबल कार राइड था हमारा 20 से 25 मिनट का, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तो जैसे जैसे केबल कार ऊपर जाती जाती है आपको पूरी सिटी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो वापस जाने वाली आखिरी केबल कार होती है शाम को 5 बजे। और जब हम ऊपर पहुंचे तो आप ये देखिए, ये इतना सुंदर नजारा है वहां से देखने के लिए। दूर दूर तक यहाँ पर नीला आसमान और समंदर। और थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद हम इसके टॉप में पहुंच गए। और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ घंटों ऐसे ही बैठ सकते हैं।
और अगर आप गोल्फ खेलने के शौकीन हैं और आपके पास समय है तो यहाँ एक छोटा सा गोल्फ कोर्स है जहाँ पर आप गोल्फ खेल सकते हैं। तो शाम हो गई थी और केबल कार से हम फिर वापस आ गए थे नीचे। तो केबल कार से उतरने के बाद हम चल पड़े मरीन ड्राइव की तरफ। तो आप कार की राइट तरफ बैठिएगा ताकि आपको इसका नजारा बहुत ही अच्छे तरीके से दिख सके। तो मरीन ड्राइव में ही हमने यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि यहाँ का नजारा हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर रुककर थोड़ी देर इसे मन भर के देख लिया जाए। और उसके बाद आ गए हम नीचे सिटी में जहाँ पर था बीच। तो आज का पहला दिन बहुत ही लंबा रहा और थोड़ा टायरिंग रहा, तो बीच के किनारे बैठ के हमने थोड़ा सा आराम किया। तो बीच के किनारे के ये जो होटल्स हैं इसका बुकिंग आपको शायद ऑनलाइन ना मिले, तो इसके लिए आपको यहाँ कॉल करके ही अपने लिए रूम बुक कराना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मोस्टली यहाँ जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैश में होता है और इसी वजह से यहाँ जो होटल्स हैं ये ऑनलाइन इसकी बुकिंग नहीं मिलती। और आप चाहें तो यहाँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। तो बीच के किनारे हमें यहाँ कुछ लाइव परफॉर्मेंस देखने को भी मिला जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग था। और उसके बाद हम पहुंच गए होटल। तो यहाँ आपको 50 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक होटल पर नाइट के कॉस्ट से आसानी से मिल जाएंगे। तो आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन और आज हम जाने वाले हैं स्नोडोनिया की फेमस ट्रेन में। और ये है हमारा होटल जिसका नाम और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्नोडोनिया ट्रेन में जाते वक्त तो हमें इतनी सुंदर सुंदर सीनरीज देखने को मिली थी जिसे हम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि कब हम जाएं और उस ट्रेन में बैठें। तो स्टेशन से जस्ट 5 मिनट पहले ही ये एक जगह है जहां आप रुककर कुछ बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो जब भी आप ट्रिप प्लान करें आप ट्रेन की बुकिंग सबसे पहले कर लीजिएगा क्योंकि यहां इसकी बुकिंग्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ट्रेन टिकट के रेट्स कुछ इस तरीके से हैं और आपको यहां पर अपने ऑनलाइन टिकट दिखाकर काउंटर से इस तरीके की टिकट्स लेनी पड़ेगी। तो ट्रेन बिल्कुल टाइम पे थी और हम इसे बोर्डिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ऊपर जाने में 1 आवर लगता है और वहाँ 30 मिनट्स का हमें ब्रेक मिलेगा और फिर 1 आवर नीचे आने में लगता है, मतलब ये टोटल 2.5 आवर का हमारा सफर है। तो ये जो जगह है ये अप्रोक्सीमेटली 3000 फीट ऊपर है सी लेवल से।
आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ ठंड पड़ती जाएगी, तो आप अपने साथ एक पतला जैकेट यहाँ समर में जरूर रखिएगा। तो ऊपर आने के बाद हमें यहाँ थोड़ा सा वक्त मिला ताकि हम ऊपर से यहाँ का पूरा नजारा देख सकें। तो हम सबको यहाँ और भी रुकने का मन था, पर आप जिस ट्रेन से आएंगे आपको उसी ट्रेन से वापस जाना पड़ेगा। तो अगर आपने ट्रेन मिस कर दी तो आपको यहाँ नीचे पैदल ही उतर के जाना पड़ेगा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो पूरे ट्रिप में मुझे ये जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी। तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन तो नहीं था, पर हम वापस से नीचे स्टेशन में आ गए और वहाँ से हम निकल पड़े हैं एक वाटरफॉल देखने के लिए। तो स्टेशन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जाएंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो वहाँ से हमने ले लिया है फर्स्ट राइड और यहाँ आपको एक छोटा सा ब्रिज दिखेगा। तो आपको ये ब्रिज क्रॉस करना है और फिर आपको मिलेगा यहाँ वाटरफॉल जाने का रास्ता। तो हम गलती से चल पड़े थे इस रास्ते पे जहाँ पर वाटरफॉल हमें ऊपर से दिखा, पर हमें वाटरफॉल नीचे से जाकर देखना था। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है जिससे ट्रेन जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आप हमारे जैसा गलती ना करें। तो वाटरफॉल देखने के लिए आपको ये ट्रेन वाली ब्रिज के नीचे से ही जाना पड़ेगा। तो वाटरफॉल में हम सब ने बहुत ही एंजॉय किया, स्पेशली बच्चों ने। तो आप उनके साथ उनका कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर रखिएगा अगर वो स्विमिंग करने के शौकीन है। तो यहाँ पानी काफी ठंडा था तो हम यहाँ थोड़ी देर पैर डालकर पानी में बैठे थे। और वाटरफॉल से निकलने के बाद हम चल पड़े हैं एक और भी खूबसूरत जगह देखने के लिए। तो स्नोडोनिया एक नेशनल पार्क है और आपको यहाँ हर जगह माउंटेन्स और लेक्स देखने को मिलेंगे। तो हम में से कुछ को यहाँ ट्रैकिंग करने का मन था तो हम चल पड़े हैं यहाँ पर ये खूबसूरत पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए। तो आपको ऊपर ट्रैकिंग करने के करीबन 30 टू 45 मिनट्स के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लेक देखने को मिलेगा। तो हम वो देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। तो जाते वक्त हमें कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल भी देखने को मिले। तो आप ये मत सोचिएगा कि 30 टू 40 मिनट्स ट्रैकिंग हम कैसे कर पाएंगे। ये पूरा जो ट्रैकिंग था वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था। यहाँ ठंडी हवा चल रही थी, सनसेट हो रहा था और हम पहुँच गए हैं लेक में। तो इतने दूर चलकर आना बिल्कुल वर्थ था। और ये लेक के साइड में आपको थोड़ा सा सैंड मिलेगा, तो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ 30 मिनट आराम से बैठे रहे और कुछ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हमने फोटो क्लिक करवाए। और यहाँ से हम चल पड़े हैं अपने होटल की ओर, क्योंकि जो नेक्स्ट डे का हमने जो प्लानिंग किया है वो थोड़ा एडवेंचरस है। तो आज है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन और हम कर चुके हैं होटल से चेकआउट और हम पहुंच गए हैं अपने एडवेंचरस डे के लिए। तो यहाँ हमने जीप वर्ल्ड में पहले से बुकिंग कराई थी, तो इसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर यहाँ कोई राइड्स के स्लॉट खाली हुआ तो आप यहाँ आकर भी बुकिंग करा सकते हैं। तो इन्होंने सारे राइड्स बहुत ही ज्यादा सिक्योर और सेफ बनाया है, तो आप यहाँ बिल्कुल डरे बिना यहाँ सारे राइड्स कर सकते हैं। तो यहाँ एंटर करने के बाद आपको बहुत सारे राइड्स के एंट्री डोर्स मिलेंगे। आपको जो भी जिस समय का स्लॉट मिला है आप उस स्लॉट में अपना राइड कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ग्रुप है तो आप कोई राइड उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये राइड्स थोड़ी डेंजरस जरूर थी, पर ये करने में मज़ा बहुत आया।
और सारे एज ग्रुप को ये राइड्स करने में तो डेफिनेटली बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि एक ही टिकट में ये आपको तीन बार करने को मिलेगा। तो सारे राइड्स के वीडियो एंड फोटोग्राफ्स के लिए आप 6 पाउंड पर राइड देखकर प्री बुक कर सकते हैं, या फिर अपना वीडियो देखकर आप 8 पाउंड में भी बाय कर सकते हैं। तो स्नो रोनिया का ये व्लॉग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।